प्रश्न है, जब तक हम स्थूल यानी शारीरिक या वाचनिक यानी शरीर से या मुंह से बोलकर किसी रूप से किसी पर प्रभाव नहीं डालते, तब तक गुनाह नहीं हो सकता यानी कोई बुरा कर्म नहीं हो सकता। मन में एक पल के लिए बुरा विचार आया और अगले ही पल विचार बदल दिया, तो क्या विचार मात्र से पाप माना जाए इसको? यानी बिना क्रिया के परिणाम या फल कैसे मिल सकता है? तो सवाल ये मन में उठता है कि सिर्फ विचार करने से उसे कर्म मान लिया जाए, या जब तक हम उसको कार्य रूप में परिणत नहीं कर रहे हैं तब तक कर्म नहीं माना जाए? तो इसका जवाब है, हमने मन में कुछ बुरा विचार किया और अगले ही पल उस विचार को बदल दिया, यानी कोई बुरा विचार किया लेकिन उसकी क्रिया नहीं की, यानी उसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया, और फिर वो बुरा विचार मन से हटा दिया। हमारे विचार मात्र से कोई प्रभावित या सुखी या दुखी नहीं होता, तो इसमें पाप क्यों माना जाए? तो इसको समझना है हमें। भले ही हमारे बुरे विचार से दूसरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, वाणी से हमने कुछ नहीं कहा, शरीर से किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया, केवल मन ही मन में बुरा सोचा, इससे दूसरों को तो प्रत्यक्ष रूप से सामने सामने देखने पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा नुकसान जरूर हो गया। किस तरह से? अगर हम गलत योजना बनाते हैं, बुरी योजना बनाते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो इससे हमारे संस्कार जरूर बिगड़ जाएंगे और आगे भविष्य में भी गलत योजनाएं बनाएंगे और गलत काम करेंगे। हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि हमने योजना बनाई और बदल दी, हर बार बदल नहीं पाएंगे, कई बार तो कर ही डालेंगे। तो हमारे विचार संस्कार ना बिगड़ें, इसके लिए हमको मन में भी बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। यहाँ एक और सावधानी रखने की बात है कि मानसिक कर्म में दो स्थितियाँ हैं। एक स्थिति में तो केवल विचार है, वो कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि दूसरी स्थिति में वो कर्म भी माना जाएगा। पहली स्थिति क्या है? एक व्यक्ति ने मन में सोचा, झूठ बोलूँ या नहीं बोलूँ। यहाँ दिमाग में दो पक्ष हैं कि मैं झूठ बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ। यहाँ तक तो इसका नाम है विचार, यानी थॉट आया दिमाग में, अभी ये कर्म नहीं बना, इसका कोई दंड नहीं है। अगर दो निर्णयों में से एक निर्णय कर लिया कि आज तो झूठ बोलूँगा, ऐसा निर्णय कर दिया तो अब ये कर्म बन गया, इसका दंड जरूर मिलेगा। आज चोरी करूँगा, यदि मन में ये फैसला कर लिया, फिर बाद में चाहे हम शरीर से ना करें यानी वो चोरी ना करें, योजना बदल दें, लेकिन एक बार योजना बन गई, निर्णय कर लिया कि आज चोरी करनी है, तो वो कर्म बन जाएगा और इसलिए उसका दंड भी जरूर मिलेगा। क्योंकि ये मानसिक कर्म है, मन से किया गया है, इसलिए दंड भी कैसा होगा? मानसिक होगा। इससे हमारे संस्कार बिगड़ेंगे। सावधानी रखें और गलत योजनाएं बिल्कुल नहीं बनाएं। विचार गलत आते हैं, अच्छे आते हैं, वो आते ही रहेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का सतत यानी लगातार परीक्षण और निरीक्षण करें कि मैंने जो विचार उठाया क्या वो ठीक है या गलत है। गलत है तो उस पर लगाम लगाएं, ब्रेक लगा दें, तुरंत मन से निकाल दें। जो ठीक विचार हैं उनको मन में रखें, ठीक विचारों के अनुसार ही योजनाएं बनाएं, और सिर्फ योजना ही नहीं बनाएं, आचरण भी करें। बहुत सारे लोग सिर्फ योजना बनाते रहते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करते, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, विशेष उन्नति नहीं होगी।